और इस बीच उस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बड़ी घोषणा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश में अब कोरोना मरीजों को इलाज के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अस्पतालों को बेड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं जगनमोहन रेड्डी की तरफ से। साथ ही सीएम ने अस्पतालों को मनमानी करने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। आंध्र प्रदेश से ये बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बड़ी घोषणा, इस वक्त की बड़ी खबर। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के जो मरीज है उनका इलाज अब मुफ्त में किया जाएगा। ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे वो निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाएं या फिर सरकारी अस्पताल में। कोई भी अस्पताल कोरोना मरीजों से उनके इलाज के लिए पैसा नहीं ले सकता। और अगर कोई अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द एंटायर ट्रीटमेंट फॉर कोविड पेशेंट्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट। This is the most important aspect. Every hospital lo, whichever is empaneled with us for exclusive COVID care, whichever is are the hospitals that we have made sure we have earmarked for dealing with COVID patients, all these things are anyway equipped. You provide a bed, you provide them free treatment, and then you send them home smiling. That should be the motto. In Arogya Shri hospitals also, even though you might not have empaneled them as dedicated COVID hospital, in Arogya Shri also, COVID treatment is free. तो आंध्र प्रदेश से ये बड़ी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बड़ी घोषणा, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोई भी शुल्क नहीं वसूल सकता, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। भारत में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी देश में राजनीतिक घमासान थमा नहीं है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और कोरोना संकट को लेकर चर्चा की। इन्हीं में से एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस चर्चा को लेकर एक ट्वीट कर दिया, जिस पर अब बवाल छिड़ गया है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री समेत कई बड़े नेता अब सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन को जवाब देने में लग गए हैं। दरअसल कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने जब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, तो उसके बाद गुरुवार रात को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। इसी ट्वीट को लेकर बवाल हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। बता दें कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मुख्यमंत्रियों के बीच खुलकर तकरार सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पहले पीएम मोदी के साथ हुई बैठकों पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ वन वे मीटिंग होती है, कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके अलावा एक बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण का लाइव प्रसारण किया था, जिस पर पीएम मोदी ने आपत्ति जाहिर की थी। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तो पीएम मोदी की तकरार लंबे वक्त से चल ही रही है। वह पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में शामिल आज तक नहीं हुई।
तो पीएम मोदी पर सोरेन के ट्वीट पर इस समय बवाल छिड़ा हुआ है। बीजेपी के सीएम से लेकर मंत्री तक पलटवार कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को इस संकट की घड़ी में राजनीति न करने की सलाह दे रहे हैं। देश में राजनीतिक घमासान लगातार जारी है, कोरोना काल में भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। और पंजाब के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ नहीं पता, किसी मार नु नहीं पता, किसी डॉक्टर नु नहीं पता, किसी नु भी नहीं पता कि कदों तक मुकूगी। इस करके अपनी राखी आप अपन करनी पौ, थोनू अपने परिवार की और मैनू तुसी उरे भेजा, मैं अपने पंजाब की, और यही मैं करूँगा। और मैं आस करना है कि कदे कदे औखी घड़ी पीनी पीनी पैंदी आपां नूं, कदे कदे आपां नूं कदम चकने पैणगे जिहड़े तुहानूं पसंद ना आउण किसी नूं, लेकिन असीं कर रहे हां पंजाब वास्ते, थोड़े वास्ते, थोड़े परिवारां वास्ते, थोड़े बच्चियां वास्ते। और तां ही मैं आस करदा कि चाहे दुकान नूं बंद करना पवे, चाहे कोई होर चीज़ पंजाब सरकार दसे, वो तुसीं अमल करो उससे, ताकि आपां इस पंजाब नूं, अपने पंजाब नूं आपां सुरक्षित रख सकीए। तो मैं आस करदा कि तुसी वाहिगुरु तुहानू साडे सारे परिवारां नू चढ़दी कला च रखन, थोड़ी 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 सेहत सारयां दी ठीक रहे, और आपां पंजाब नू बड़ी जल्दी ही इस औखी घड़ी तो कढ़ीए। बहुत धन्यवाद थोड़ा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि सरकार के द्वारा जो कुछ भी गाइडलाइन लगाई जाती हैं आप उसका पालन करें, ताकि पंजाब को हम सुरक्षित रख सकें। चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस ट्वीट पर वाक युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टेलीफोन बातचीत के दौरान केवल मन की बात करने का आरोप लगाया था। उस पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनिए। और 154 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਲੇ ਨਾ, ਔਰ ਫੈਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਛ ਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ UK ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਲੰਧਰ 916, ਮੋਹਾਲੀ 942, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 373, ਮੁਕਤਸਰ 286, ਮਾਨਸਾ 533, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਟਾਈਫੋਇਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਫੋਇਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 3। ਲੈਵਲ 1 ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ
वो तो घर बैठे थोनू दवाई दे देंगे और तुसी उत्थे ठीक हो सकते हो, बाहर जाने को लोड़ नहीं। लैवल टू जदों कुछ देर बाद तुसी अपना जाके डॉक्टर को करते हो, कदे कदे लैवल टू दे विच थोनू ऑक्सीजन की लोड़ पै जाती है, और फिर लैवल थ्री जिथे बिल्कुल अखीर दे विच जाके जिहड़ी बीमारी है वो बिल्कुल सिरे चढ़ी हुंदी है बीमारी, और उहदे नाल कई मौतां साडियां हो गईयां। थोनू पता है किन्ना पंजाब दे विच मौतां होईयां ने, मैं थोनू आंकड़े दसां। जद तो एक करोना शुरू हुई है 9,980 बंदे अपने पंजाब दे विच मौत हुई है, कल 154 सी, लेकिन पूरी शुरू मार्च तो लैके अज तक 9,980 ये साढ़े पंजाबी ने, साढ़े वीर ने, साड़ी भैन ने, और ये इस करके हुई है क्योंकि आप अनगहली करते हैं। लैवल थ्री जड़ा अखीर तक है, सब तो ज़्यादा केस उत्थे जाते हैं, और उत्थे मैनू हुण अपने हस्पतालां दे विच बैड बनाने पए ने। मैं कई बेनती की है कि तुसीं बैड बधाओ अपने हस्पतालां विच ताकि इह जे लैवल थ्री दे केस आउण। लैवल टू दे घट ने, लैवल वन तक घरां च ही हुंदे ने, पर ये सानू इहदा तुसीं ध्यान तुहानू देना पऊगा अगर अपने परिवारां दी तुसीं राखी करनी है, उन्हां नू बचाउणा है। और जिथे ताईं लोग साडी जिहड़ी मदद करने ने, बाबा जी सतगुरु महाराज जी अपने राधा स्वामी वाले, सतगुरु जी नामधारियां वाले, इन्ने अजे महापुरश ने साडे बलां वाले बाबा जी, सारे साडी मदद कर रहे ने इस काम च। लोग बाहरले विदेशों तो भेज रहे ने, ओबरॉय जी ने दुबई दे विचों, SP ओबरॉय जी वो सानू ऑक्सीजन भेजन दी सानू मैनू चिट्ठी लिखी है। पीटर विरदी जी ने UK दे विच, उन्होंने मैंने कहा मैं ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह कॉन्सनट्रेटर भेज रहे हैं। और इसे तरीके नाल मैं बेनती करदा जिथे भी साढ़े पंजाबी ये गल मेरी सुनते हो, तुसी जो भेज सकते हो अपने पंजाब वास्ते भेजो, अपने पंजाब नू सुधारना है, ठीक करना है, और अपने बच्चों नू बचाना है इत्थे, और अपने सूबे नू बचाना है। इस करके मैं थोनू ये बेनती कर रहा हाँ कि तुसी इस नू इनू ऐ ना समझो कि कोई छोटी जी मोटी बीमारी और निकल जाएगी, ये बहुत भयानक बीमारी है, और हाले आपां सिरे नहीं सिखर नहीं पहुँचे। जो डॉक्टर दसते ने कि 15 मई के गेड़ च आपां सिखर पहुँचांगे, उस तो बाद फिर नीचे नू आओ, फिर सपटेंबर च 9वें महीने जाके फिर चढ़ सकती है। 1918 दे विच एक स्पैनिश फ्लू आई सी, और वह स्पैनिश फ्लू 4 साल रही हिंदुस्तान दे विच, और उदो दुनिया की आबादी बड़ी घट सी, लेकिन 5 करोड़ बंदियां नू इस इहदा असर पिया सी उत्थे, और इत्थे भी 5-4 साल रही किन्ने मौतां होईयां उदो, और वह स्पाइकां च गई, पहले उपर चढ़ी फिर नीचे आई फिर उपर गई फिर नीचे आई, 4 बार गई 4 सालों च। तो सानू इस बीमारी का कुछ नहीं पता, किसी माहर नू नहीं पता, किसी डॉक्टर नू नहीं पता, किसी नू भी नहीं पता कि कदों तक मुकूगी। इस करके अपनी राखी आपां नू करनी पऊ, थोनू अपने परिवारां दी, और मैनू तुसीं उरे भेजिया, मैं अपने पंजाब दी, और यही मैं करूँगा। और मैं आस करदा कि कदे कदे औखी घड़ी पीनी पैंदी आपां नू, कदे कदे आपां नू कदम चकणे पैणगे जिहड़े थोनू पसंद ना आउण किसी नू, लेकिन असी कर रहे हैं पंजाब वास्ते, थोड़े वास्ते, थोड़े परिवारों वास्ते, थोड़े बच्चों वास्ते। और ताही मैं आस करदा कि चाहे दुकान नू बंद करना पवे, चाहे कोई होर चीज़ पंजाब सरकार दसे, वो तुसी अमल करो उससे, ताकि आपां इस पंजाब नू, अपने पंजाब नू आपां सुरक्षित रख सकीए। तो मैं आस करदा कि तुसी वाहिगुरू थोनू साढ़े सारे परिवारों नू चढ़दी कला च रखन, थोड़ी 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 सेहत सारे दी ठीक रहे, और आपां पंजाब नू बड़ी जल्दी ही इस औखी घड़ी तो कढ़ीए। बहुत धन्यवाद थोड़ा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने सुना, वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना ध्यान रखिए और तमाम जो नियम कायदे हैं उनका पालन करते रहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हो सकता है इस महामारी से लड़ने में कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ जाएं जो आप लोगों को पसंद ना हो, लेकिन ये हमारी ही सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम है, और आने वाले समय में और भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। तो पंजाब वासियों से उन्होंने अपील की है कि वो खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब जिला जींद। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने इस पावन पवित्र स्थान ते अपने 2 बारी चरण स्पर्श किए, जदों उन्होंने कैथल सर किया, टवाणा सर किया, यह सतगुरां जी का पावन स्थान जान के श्री साहब सतगुरां जी इत्थे सुभायमान की गई।
राजा गजपत राय जींद रियासत का राजा सीगा जो गुरु साहब जी तो बहुत प्रभावित सीगा। अगे चल के उसका पोतरा जिहड़ा राजा रघुवीर सिंह जी उसने इस पावन स्थान नूं गुरु के लंगरां वास्ते करीबन 750 एकड़ जमीन जिहड़ी उह भेट कीती। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की इस स्थान पर बहुत वड्डी कृपा है। जिहड़ा भी इस स्थान पर आउंदा है अज भी गुरु साहब जी कृपा करदे ने। भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर एनबी न्यूज पर, इस समय आप देख रहे हैं कोटकपुरा गोलीकांड में SIT का गठन कर दिया गया है। पंजाब से बड़ी खबर, सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का ये गठन किया है। कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। SIT को सरकार ने समय दे दिया है अपने हिसाब से, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमेटी में ADGP LK यादव, DIG फरीदकोट शामिल किए गए हैं। इस पूरे गोलीकांड की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। कोटकपुरा गोलीकांड में SIT का गठन पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है सरकार की तरफ से, जो कि इस गोलीकांड की पूरी जांच पड़ताल करेगी। SIT को सरकार ने समय भी दिया है। बड़ी जानकारी, कमेटी में ADGP LK यादव, DIG फरीदकोट शामिल किए गए हैं। 3 सदस्यीय ये टीम है जो कि इस पूरे मसले की जांच करेगी। पंजाब से बड़ी जानकारी, कोटकपुरा गोलीकांड में SIT का गठन किया गया है। सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है और ये 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। मेरे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। जगतार जी, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। कोटकपुरा गोलीकांड की जांच के लिए सरकार ने अहम फैसला लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बिल्कुल, देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आज नई SIT का गठन किया गया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि कोटकपुरा जो फायरिंग केस है वहाँ उसके लिए एक नई SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए, क्योंकि उससे पहले जो कुंवर विजय प्रताप सिंह वाली जो SIT थी उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, रद्द कर दी थी, और इसके बाद पंजाब सरकार को आदेश जारी किए गए थे हाईकोर्ट की तरफ से। और आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो नई SIT बनाई गई है उसमें जो ADGP रैंक के अधिकारी जो इस समय LK जाधव जो विजिलेंस ब्यूरो में उनकी जो तैनाती है उनको जिम्मेवारी दी गई है, LK जाधव जो ADGP रैंक के अधिकारी, और उनके अलावा उनके साथ जो अधिकारी और SIT में शामिल किए गए उनमें लुधियाना पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल और फरीदकोट पुलिस के DIG सरजीत सिंह को जिम्मेवारी दी गई है। तो ये पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला, और क्योंकि हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को फैसला सुनाया था, और अब जो SIT जो आज पंजाब सरकार की तरफ से बनाई गई है उसको 6 महीने के भीतर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी होगी, और क्योंकि हाईकोर्ट ने रिपोर्ट खारिज की थी, और उसके अलावा बहुत सारिया कह सकते कि SIT जो कुंवर विजय प्रताप के जो रिपोर्ट थी उसको रद्द ही नहीं किया बल्कि अहम टिप्पणी भी की थी, और जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उनको भी इस मसले पे क्लीन चिट दी गई थी। तो अब जो SIT बनाई गई है वो अब नए सिरे से जांच करेगी। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगतार जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कमेटी में एडीजीपी एलके यादव, डीआईजी फरीदकोट शामिल किए गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस ट्वीट पर वाक युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टेलीफोन बातचीत के दौरान केवल मन की बात करने का आरोप लगाया था। इस पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के फोन करने पर और राज्य की जानकारी लेने पर टिप्पणी की है, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रधानमंत्री जब राज्य की जानकारी और कुशल क्षेम पूछते हैं और कैसे व्यवस्था की जा रही है, की जानी चाहिए, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री लेते हैं, वैसे समय में मुख्यमंत्री का टिप्पणी इस तरीके से न केवल मुख्यमंत्री के पद को, मुख्यमंत्री के गरिमा को धूल धूसरित करता है, बल्कि उनका भी एक तरीके से इस बात का संकेत मिलता है कि वो किस तरीके से सोचते हैं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी इस समय के परिस्थिति में बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वैश्विक महामारी में हम राज्य के जनता को, देश की जनता को समग्र होकर के हम लड़ते हुए इस पर विजय प्राप्त करें, आगे बढ़े और कोरोना मुक्त राज्य और देश बनाए। देखिए, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदर्भ का, उसको संदर्भ में देखा जाए, कई लोग उसको संदर्भ से अलग हटा करके, ये लड़ाई कोरोना संक्रमण के खिलाफ कहां लड़ी जा रही है? राज्यों में लड़ी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्रियों की चिंता समझिए, चाहे वो बीजेपी के हों या नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज के हों, वो परेशान है। वहां व्यवस्थाएं कम है और आकार जो इसका डायमेंशन है इस संक्रमण का, वो बहुत बड़ा है। तो उस संदर्भ में आपको राज्यों की सुननी होगी। सहकारी संघवाद यही कहता है, छोटी छोटी चीजें प्रधानमंत्री जी आप कर सकते हैं। जैसे मसलन मैं कहूं, एमपी लैड आपने सस्पेंड किया, आज अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास ये हुआ होता तो अपने अपने क्षेत्र में, जिले में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते। ये बेबसी का नजारा शायद इतना बड़ा ना होता। मैं समझता हूं उस संदर्भ में माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री जी की बात समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो इस पूरी लड़ाई को हम केंद्र बनाम राज्य में तब्दील कर रहे हैं और ये वक्त नहीं है। संविधान निर्माताओं ने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है भारत के संविधान का, केंद्र के अपने अधिकार, प्रदेश के अपने अधिकार, दोनों का अतिक्रमण एक दूसरे पर। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय श्रीवास्तव जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सर, समय हमारा काफी पहले ही थोड़ा जाया हो चुका है, तो मैं एक एक रिएक्शन आप दोनों से लेना चाहूंगी। संजय जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। जिस तरह की अभी स्थितियां देश में बनी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है, इन स्थितियों के बीच भी राजनीति जबरदस्त हो रही है और अब नया वाक युद्ध शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन ने जो कुछ भी ट्वीट किया उसको लेकर, क्या वाकई में ऐसा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा अगर मुख्यमंत्रियों को फोन किया जाता है या फिर कोई बैठक बुलाई जाती है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता? देखिए पंडित जी, सबसे पहले तो कोरोना काल का समय है, पीछे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लोग कहते हैं आम आदमी भी सरकारों पर सवाल खड़ा करता है, कहीं दिक्कत की बात नहीं। बात नहीं, यदि उनको दिक्कत है तो वो सवाल खड़ा करेंगे और सरकारों को सुनना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में जिस भारत देश को विश्वास है, तमाम प्रकार की जनप्रतिनिधियों की जो मर्यादाएं होती है, जिसके शपथ भी शायद हम सब लोग लेते हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का एक मुख्यमंत्री से संवाद यदि होता है और संवाद के बाद यदि ट्वीट करके इस तरह की बात एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री यदि करते हैं कि मन की बात नहीं काम की बात, और काम की बात होनी चाहिए वो करते नहीं है, ये तमाम प्रकार के विषय ट्विटर, मैं तो सीधा सा एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, शायद वो देर से जाएगा, उनको लगती है राष्ट्रीय राजनीति में जाओ तो चल रहा है तो उसमें शामिल,
लगता है ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, इसलिए हेमंत सोरेन जी उस पर कूद पड़े। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम प्रधानमंत्री जी से जो आपत्ति आपने ट्विटर के माध्यम से की, तो क्यों ना आप उसी चर्चा में प्रधानमंत्री जी से बात करते कि आपको कुछ कहना है आपके कहने के, या फिर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को फोन कर लेते, ऐसा नहीं कि नहीं आता। राजनीति की बात नहीं, देखो इतनी बड़ी यदि कांग्रेस का भी कोई प्रधानमंत्री होते माननीय दूसरे और बीजेपी का मुख्यमंत्री कहते तो शायद मेरा भी उनका भी यही सवाल रहता और यही बातों को मैं करता कि एक हमारी जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को तो कम से कम ऐसे गतिविधियों को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा विषय यह लगता है, मुझे लगता है कि झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, जो बदतर स्थिति बनी है, तो कई बार ऐसा लगता है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम क्या करें, तो क्यों ना उन जरूर माफ कर दिया जाए, इस तरह की टिप्पणी किया जाए। जनप्रतिनिधि के द्वारा एक अपने से उच्च पदों पर होती है, ये आम जनता के बीच में, पढ़ी लिखी जनता के बीच में कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को इस बात को समझना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि उस जो ट्विटर है, ट्विटर अकाउंट से उसको हटाकर कहीं ना कहीं एक माफीनामा देने की आवश्यकता है हेमंत सोरेन जी को। राजनीति की जो पराकाष्ठा, राजनीति की जो स्तर है, उसको कम से कम गिराए नहीं। आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है कि आप क्या करते थे राजनीति में, क्या नहीं करते थे, उसकी तो कभी फिर चर्चा करेंगे कि किस स्तर की राजनीति आप करते थे। लेकिन अभी आप झारखंड के तमाम करोड़ों जनताओं का, जनता का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, और आपके प्रदेश की जनता ही नहीं चाहेगी कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग या इस तरह के ट्विटर में जो आपने हैंडल में डाला है अपना, इस तरह का उपयोग आप किसी प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए करें, ये मुझे लगता है कि झारखंड की जनता भी नहीं चाहेगी। और मुझे लगता है इसके लिए सार्वजनिक रूप से हेमंत सोरेन जी को, होता है कई बार गलती हो जाती है, उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए कि निश्चित रूप से कुछ उन्होंने गलत टिप्पणी कर दी, ट्विटर हैंडल में गलत उन्होंने चीजों को पोस्ट किया है, और सार्वजनिक रूप से इसके लिए उनको अपनी बातों को रखना चाहिए। आप वहां पर गठबंधन में है, झारखंड की मैं बात कर रही हूँ, आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के द्वारा ये कह देना कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने तो मन की बात की है और काश वो किसी काम की बात कर लेते या हमारी सुन लेते तो बेहतर होता, ऐसा नहीं है सर? आप भी देख रहे हैं कि स्थितियां क्या बनी हुई हैं, तो हर वक्त या हर मुद्दे पर अपने लिए कोई सियासी लाभ खोजना, क्या ये सही है? पल्लवी जी देखिए ऐसा है सर, कुंवर जी से सवाल था मेरा, कुंवर सिंह जी से ये सवाल था मेरा, वो वहां पर गठबंधन में सरकार बना के बैठे हुए हैं, तो मैं इसलिए उनसे जानना चाह रही थी। बताइए कुंवर सिंह जी, सिंह साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? कुंवर सिंह जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। संजय श्रीवास्तव जी, अब इस मसले पर प्रतिक्रियाएं बहुत आ रही हैं और हर कोई ये कह रहा है कि ये गलत है, यहां तक कि आंध्र प्रदेश के सीएम तक ने कहा कि हेमंत सोरेन जी मैं आपका बहुत मान रखता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरीके से इस समय में ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई पहला मसला नहीं है, लगातार विपक्षी पार्टियां आप पर सवाल खड़े कर रही हैं। इससे पहले भूपेश बघेल ने भी ऐसे ही सवाल खड़े किए थे, ममता बनर्जी तो कभी बैठक में शामिल ही नहीं होती, तो क्या माना जाए? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, देखिए अभी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि बंगाल, बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हुई, देखिए चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, दो दल है। संजय जी आप फ्रीज हो गए हैं सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है। संजय जी एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। कुंवर सिंह जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुंवर सिंह जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कुंवर सिंह जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, खैर समय की कमी है इसलिए मैं यहां पर कुंवर सिंह जी का और संजय जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट पर इस समय वाक युद्ध शुरू हो गया है, हर कोई उनके इस ट्वीट की, बयान की निंदा कर रहा है और उन्हें लगातार ये सलाह दी जा रही है कि ऐसे संकट के समय में उन्हें अपनी सियासी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। खैर देखने वाली बात रहेगी कि क्या हेमंत सोरेन को अपनी गलती महसूस हो पाती है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।